वैश्विक स्तर पर अपनी बादशाहत बचाने की चुनौती से जूझ रही कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग को साल 2014 की चौथी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स पीछे छोड़ते हुए बाजार हिस्सेदारी में टॉप पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कैनालिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल प्रौद्योगिकी के मामले में विविधता नहीं लाने की वजह से इस दौरान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पछाड़ दिया है और 22% हिस्सेदारी पर कब्जा बनाकर टॉप पर पहुंच गई है।